अगली खबर में बात करते हैं कन्नौज की, जहां अवैध शराब माफियों पर आबकारी पुलिस की संयुक्त छापेमारी कार्यवाही हुई है। अचानक छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब व लहन बरामद किया गया है। आबकारी निरीक्षक यतीन शर्मा ने अपनी टीम के साथ छापेमार कार्यवाही की है। छापेमारी में 4 अभियुक्तों में एक महिला भी शामिल है, जिनसे 200 किलो लहन व 60 लीटर अवैध शराब बरामद कर लिया गया है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पूरी कार्यवाही छिबरामऊ क्षेत्र के ककरैया मोहल्ला व गिहार बस्ती में हुई है। नाम कहा था? घर बता दो, कौन सा द्वारा छापेमारी की गई? सर कहाँ कहाँ की गई, कितने? ये छापेमारी शासन द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज छिबरामऊ थाना अंतर्गत ककरैया मोहल्ला गिहार बस्ती में निर्माया पुलिस फोर्स की दर्ज की गई और दर्ज के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध संगत धारा में कार्रवाई की जा रही है। सर कितना लहन करीब नष्ट किया गया है? मौके से करीब 200 केजी लहन नष्ट किया गया है, करीब 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। तक चलेगा और ये शासन द्वारा इस तरह देखा जा रहा है? अभी तो शासन द्वारा इस अभियान को जो है 31 अगस्त तक रखा है, लेकिन एहतियातन राजस्व की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के मद्देनजर ये अभियान हम पर्सनल लेवल पर ही चलाए रहते हैं, जिससे पुलिस का सहयोग लेकर कहीं भी अगर अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की सूचना मिलती है तो तत्काल ये काम किया जाता है, जिससे कि हमारा सरकारी राजस्व प्रभावित न हो तथा साथ ही साथ क्योंकि ये अवैध शराब होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जन स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि गरीब तबके के व्यक्ति बहकावे में आकर सस्ती शराब के चक्कर में और अवैध शराब का सेवन कर लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो हम आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहेंगे आम जनता से, कहीं भी जो है अवैध अड्डे से शराब न पिए, अपनी जो सरकारी दुकानें हैं उनसे जाकर शराब खरीदें और पिए, वो सही है, सुरक्षित है और अपने जान माल को खतरे में न डालें, चंद रुपयों की खातिर। तो ये इसीलिए इस अभियान को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन की ये मंशा है कि कहीं भी किसी तरह का कोई अवैध काम न होने पाए तथा राजस्व सुरक्षित रहे तथा जान माल का कहीं भी कोई नुकसान न हो।